हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। DSSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, खास करके किसके लिए, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके जो पेपर हुए हैं 2018 में, 2021 में और 2022 में, तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन पेपरों को देखकर आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, देखो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहां से देख लो, ये देखो, यहां से आपको जो है चीजें समझ में आएगी। देखो, खास करके इस बात का खास ख्याल रखिएगा, देखिए DSSSB ना मेल के लिए अलग से पेपर होता है और फीमेल के लिए अलग से पेपर होता है, तो ऐसे में मेल और फीमेल के दोनों पेपर को आप देख सकते हो। बाय द वे, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, UPTGT के भी पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, BPSC के भी जो पेपर हैं वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। UPTGT, BPSC यानी कि जो TRE 2.1, 1. वो जो एग्जाम हुआ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो सेक्टर के बारे में मैंने बताया। KBS में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसके TGT के पेपर को आप देख सकते हो। इसके अलावा नवोदय विद्यालय के जो पेपर हुए हैं उसको भी आप देख सकते हो। तो इससे जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, और इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एक्वायर कर सकते हो ओनली 100 रुपीज में। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinghat@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh, वहां से जो है कॉन्टेक्ट आप बना सकते हो। अब देखिए सिलेबस के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली है, वहां से जाकर आप चीजों को देख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, एनर्जी इज रिलेटेड टू जूल, यानी कि एनर्जी का एसआई यूनिट जूल है, तो उसी तरह से फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन होगा। देखो बहुत ही आसान सा सवाल था। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो है पेपर मिल जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, इसलिए ये इजी है। मैं मैथ्स की ओर आपको लेकर चलूंगा कि मैथ्स के जो है पेपर वो कैसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जनरल वाले पेपर को भी जो है क्वालिफाई करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका जो है अगला पेपर चेक ही नहीं हो पाएगा। तो प्लीज डू कंसीडर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये देख लो, अब यहां से आपको जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिखने शुरू हो चुके होंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और इजी वाले सवाल हैं, जब आप बढ़ोगे तो डिफिकल्टी लेवल भी जो है इसकी बढ़ेगी। बाय द वे DSSSB में ना खास करके इस बात का आप ख्याल जो है खास ख्याल रखोगे कि DSSSB में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप टाइम को कंसीडर नहीं करोगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन बचे हुए रह जाएंगे। बहुत ही आसान आपको दिख रहा होगा कि दो आर्टिकल ए और बी है, इसको पहले को इतने में बेच रहा है, दूसरे को इतने में बेच रहा है। ए पे जो है 15% 12% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 15% का, तो बताइए ओवरऑल जो है प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इस तरह के जो सवाल हैं ये सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो जनरल वाला है, मैं आपको कुछ और लेकर चलता हूँ। देखिए जो TGT वाले एकदम डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन है वो ये देखो, इंग्लिश का पेपर है। आगे मैं बढ़ता जाता हूँ, वेट अ मिनट, देखिए 2018 से लेकर 2022 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से दिख जाएंगे। अब देखो ये शुरू हो चुका है, अब देखिए आपको ग्रेजुएशन और जो 11-12 का क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ से दिखेगा, आप यहाँ से चीज़ों को आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर ये जो 17 है, फैक्टोरियल 17 को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, x का मान बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से देखिए जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, और पीरियड पाई से जो है ये आपको जो है निकालना था, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है हिंदी में भी है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहां से एक लिमिट का सवाल देख सकते हो, लिमिट आपको जो है x→y पूछा गया है, और ये 10x-10y आपको देखने को मिलेगा डिवाइडेड बाय x-y, तो ये सॉल्व करने के लिए आपसे पूछ लिया गया था। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, आराम से PDF में देखिए और आंसर की साथ में आपको दे दी गई है, तो दैट्स वेरी गुड, आप इसे आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर से बता दूं, यहां से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। वीडियो को यहां तक आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।